पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने साल 1995 के डबल मर्डर मामले में ये फैसला सुनाया। साथ ही प्रभुनाथ सिंह को पीड़ितों को 10 लाख रुपए का मुआवजा भी देना होगा। साल 1995 में विधानसभा चुनाव के दौरान छपरा में 18 साल के राजेंद्र राय और 47 साल के दरोगा राय की पोलिंग बूथ के पास ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, क्योंकि इन दोनों लोगों ने प्रभुनाथ सिंह के कहे अनुसार वोट नहीं दिया था। तब डबल मर्डर केस में दोषी ठहराए गए प्रभुनाथ सिंह को निचली अदालत से राहत मिल गई थी। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने भी उनकी रिहाई के आदेश के फैसले को सही ठहराया था। मृतकों का परिवार हाईकोर्ट के फैसले से खुश नहीं था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मृतकों के परिवार ने कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल करते हुए इस मामले पर सुनवाई की मांग की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह को 1995 के डबल मर्डर केस में आरोपी ठहराया और पटना हाईकोर्ट के फैसले को बदलते हुए प्रभुनाथ सिंह को दोषी ठहराया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी। राष्ट्रीय जनता दल के नेता रहे प्रभुनाथ सिंह को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। इस मामले में प्रभुनाथ सिंह के अलावा दूसरे आरोपी भी थे, लेकिन निचली कोर्ट ने उन्हें पहले ही रिहा कर दिया था। दो वोट के लिए दो हत्याएं करवाने वाले प्रभुनाथ सिंह को आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का करीबी भी माना जाता है। जितना बड़ा इनका राजनीतिक करियर रहा, उससे कहीं ज्यादा पुराना है इनका आपराधिक इतिहास। पंचानवे के विधानसभा चुनाव में इनके शागिर्द ने ही इनको चुनावी शिकस्त दी तो हार से तमतमाए बाहुबली नेता ने 3 महीने के अंदर नवनिर्वाचित विधायक को मारने की कसम खा ली और बिहार की राजधानी में शाम के 7:30 बजे के करीब मशरक से विधायक अशोक सिंह को बम से उड़वाकर उनकी हत्या करवा दी गई। सीमेंट का कारोबार कर रहे प्रभुनाथ सिंह की राजनीति में एंट्री ही एक विधायक की हत्या के आरोप के बाद हुई। प्रभुनाथ सिंह और उनके भाई दीनानाथ सिंह फिलहाल अशोक सिंह हत्याकांड झारखंड के हजारीबाग जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।